तो चलिए देखते हैं पूरी रेसिपी हम चिकन कढ़ाई की, और मिलकर बनाते हैं इसको हम। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, आज मैं पूनम सिंह रेसिपी में लेकर आ रही हूँ हरी मिर्च के साथ चिकन बनाने वाली रेसिपी। तो उसके लिए हम सबसे पहले कढ़ाई गर्म कर लिए हैं और डाल लेंगे इसमें तेल। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे चिकन पहले फ्राई होने के लिए। चिकन को अब हम पलट देंगे। इसे हम गोल्डन ब्राउन करेंगे फ्राई करके, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, थोड़ा सा लाइट में ही। मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर रहे हैं। फ्राई हो गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई, तो फ्राई हो चला है चिकन। एक राउंड हम निकाल चुके हैं, दूसरा राउंड डाले हुए हैं, ये भी फ्राई हो गया है। इसको निकाल दे रहे हैं हम, फ्राई हो गया है बिल्कुल। थोड़ा प्याज हम थोड़ा गोल्डन फ्राई कर कर निकाल लेंगे, इसको हम चला देंगे। हमें बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है इसे, इसी में हम डाल देंगे शिमला मिर्च, इसको भी हम हल्का फ्राई कर लेंगे साथ में। प्याज और शिमला मिर्च को भी हम निकाल लेंगे, हो गया। टमाटर को हमें पीसना है, तो इसको साबुत ही हम गरम कर ले रहे हैं हल्का फ्राई, फिर काट के इसको हम मिक्सी में पीस देंगे। टमाटर फ्राई हो रहा है, तब तक हम आपको बता दें कि हम हरी मिर्च 8-10 हरी मिर्च काट लिए हैं दो दो टुकड़ा में। एक छोटा चम्मच से हम धनिया का दाना क्रश कर लिए हैं। 10 से 15 काली मिर्च हम ले लिए हैं, 3 तेज पत्ता है, और 1.5 स्पून हम जीरा ले लिए हैं। टमाटर को अब हम निकाल देंगे और इसी में हम सारा तड़का डाल देंगे। 4 लाल मिर्च ले लिए हैं हम, लौंग है 5-6, 4 हरी इलायची को हम क्रश कर दिए हैं, और एक काली वाली इलायची को, इसको भी हम डाल देते हैं। और इससे ज़्यादा हमको गरम मसाला नहीं डालना है इसमें, सबको हम मिला देंगे। डेढ़ केजी चिकन है मेरा, तो हम करीब 750 ग्राम प्याज काट लिए हैं, इसको डालकर हम भूनेंगे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक। थोड़ा सा हाफ फ्राई होने के बाद इसमें से हम निकालेंगे पेस्ट बनाने के लिए। इतना प्याज हम निकाल लिए हैं, इसका हम बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे टमाटर के साथ मिलाकर।
इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। इसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। इसी में हम डाल देंगे 5 काजू और 4 बादाम। थोड़ा सा हम डाल देंगे मलाई, घर के दूध का है। सबको हम पीस लेंगे। 1 चम्मच के अंदाज हम कसूरी मेथी भी डालकर पीस देंगे। प्याज टमाटर कसूरी मेथी भी हम पीस लिए। प्याज बिल्कुल फ्राई हो गया है, गोल्डन एकदम। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन, धनिया और जीरा काली मिर्च का पेस्ट है ये। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच छोटा वाला से लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि 8-10 हम हरी मिर्च पाउडर भी डाले हुए हैं। 1/2 चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर, हमें लाइट कलर का चिकन बनाना है इसलिए ज़्यादा हल्दी पाउडर नहीं डालेंगे। स्वाद के हिसाब से हम डाल देंगे इसमें नमक। 1/2 चम्मच हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सबको हम मिलाकर थोड़ा सा पानी डालेंगे और मिलाकर सबको भूनेंगे हम। तो मीडियम फ्लेम पर हम करीब 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे, जब तक कि मसाला तेल न छोड़ने लगे। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच तक घी। इसको भी हम मिला देंगे और मसाला भून चुका है अच्छी तरह से, देखिए तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं चिकन सारा जो फ्राई करके रखे हुए थे। इसको भी हम मिलाकर भूनेंगे थोड़ी देर। इसको ढक कर हम 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे तेज फ्लेम पर ही। इसमें हम अब डाल दिए सारा प्याज और टमाटर का पेस्ट। चिकन एकदम फ्राई हो चुका था कुछ इस तरह, बिल्कुल ड्राई, हम थोड़ा सा निकाले भी हैं। और अब इसको हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे धीरे धीरे। चिकन को हम थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहेंगे, नहीं तो फिर काजू बादाम चिपकने लगता है नीचे तली में। चिकन तैयार है। अब हम इसमें ऊपर से डाल देंगे जो फ्राई करके रखे थे प्याज और शिमला मिर्च। सबको हम मिला देंगे। तो चिकन सर्व हो गया है आप लोग के लिए, मज़े लेकर खाइए। इसको हम क्रीम से गार्निश कर दे रहे हैं। हमको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसी रही रेसिपी पनीर कढ़ाई की। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसको हम अदरक का लच्छा और हरी मिर्च से भी गार्निश किए हैं, स्वाद लेकर आप लोग ज़रूर खाइए। बाय।